नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, फिर लाऊं खबर के पीछे की खबर। खबर यह है, देश के सबसे प्रगतिशील राज्य महाराष्ट्र में शिक्षा की स्थिति यह है कि वहां जिला परिषद के कई स्कूल ऐसे हैं जहां विद्यार्थी तो है लेकिन शिक्षक नहीं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दो प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जो जिला परिषद द्वारा चलाए जाते हैं, वहां विद्यार्थी तो है लेकिन शिक्षक नहीं। नेवरे चिंचवड़ और निवंडी शितप, ये जो दो गांव हैं, इन गांव में दो स्कूल है। दोनों स्कूल जिला परिषद के है और प्राइमरी स्कूल है। सैकड़ों के तादाद में वहां बच्चे हैं लेकिन शिक्षक नहीं होने के कारण बच्चों को ये समझ में नहीं आता वो स्कूल में जाके करे भी तो क्या करे। शिक्षा विभाग बार बार प्रयास कर रहा है कि किसी और स्कूल से वहां शिक्षक भेजे, तो कोई शिक्षक जाने को तैयार भी नहीं होता। कोई शिक्षक जाता भी है तो वो दो चार दिन के लिए जाता है, फिर नया शिक्षक आता है। बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि जिस शिक्षक से वो पढ़ रहे हैं वो कितने दिन उनके साथ है। नया शिक्षक जो आता है उसे ये पता नहीं होता कि कहाँ से वो पढ़ाई शुरू करे। वो फिर शुरुआत से पढ़ाई शुरू करता है और बच्चे वही के वही बार बार पढ़ते रहते हैं। खबर के पीछे की खबर ये है, महाराष्ट्र शासन जो छत्रपति शिवाजी और आम्बेडकर के स्मारकों पे हजारों करोड़ रुपए खर्चा करने की बात करती है, वो महाराष्ट्र शासन अपने राज्य में बच्चों को शिक्षा का अधिकार भी नहीं दे सकता। क्योंकि यदि शिक्षा के अधिकार के नाम से मात्र आपने स्कूल दिए और शिक्षक नहीं, तो फिर वो शिक्षा कैसी। यदि हमारी सरकार हमारे बच्चों का भविष्य ही नहीं बना पाते तो वो बच्चे आगे बन के कैसे शिवाजी और आम्बेडकर बनेंगे। यह है खबर के पीछे की खबर। देखते रहिए धोबी घाट।